हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो आज है संडे, और संडे तो सभी को मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह से बस यही सब चल रहा था, घर पे रहते हैं हस्बैंड तो फिर ज़्यादा थोड़ा काम हो जाता है, बट ठीक है, सब हो गया है ऑलमोस्ट। और अभी बस खाना वाना बन गया है, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और शाज़िब टीवी देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इन लोग का तो मतलब संडे तो रहता है, तो इन लोग की मज़े रहती है, हम लोग के लिए तो सेम डे रहता है। और बस आज कहीं हम लोग का बाहर जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि मन नहीं था रोज़, मतलब मन नहीं करता ना कि आप एवरी संडे चले जाओ। कभी कभी ये भी मन करता है कि हाँ पूरा दिन छुट्टी है, तो एटलीस्ट सब काम थोड़ा लेट लेट से हो और आप थोड़ा रिलैक्स में रहो। तो बस इसीलिए हम लोग कहीं आज बाहर नहीं गए हैं। बाकी यही सब नॉर्मल डे चल रहा है। और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि व्लॉग कैसे बनाएं, क्योंकि काफ़ी मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे जैसे लोग जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, तो हम लोग आपस से बात करते रहते हैं। दो चार लोग से जैसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, तो हम लोग आपस से बात करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अब हम नए नए क्या कुछ करें कि लोगों को कुछ अच्छा लगे। तो बस मैंने उसी पे सोचा कि मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ, और जिससे कि मुझे भी मतलब कि कुछ लोगों को भी शायद मेरी वीडियो से हेल्प मिले, और मुझे भी कुछ लोग रिकमेंड करें कुछ चीज़ें, तो जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो बस मेरा व्लॉग इसी पर रहेगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और बस अभी हम इस चीज़ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो हमारे न्यू व्लॉगर्स होते हैं, न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, कि हम क्या मतलब कि हम क्या व्लॉग करें, किस कैटेगरी का चैनल हम बनाएं। तो उसके लिए मैंने पर्सनल अपना ये किया कि मुझे मतलब सबसे अच्छा लगा व्लॉगिंग करना, क्योंकि व्लॉगिंग में आपके पास एक टॉपिक नहीं रहता है, आपका रोज़ का रूटीन रहता है, आपकी डेली लाइफस्टाइल रहती है, जो आप कुछ करते हो आप वही लोगों से शेयर करते हो, और वो बहुत ही नेचुरल बहुत ही रियल रहता है। उस पर कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप हटा नहीं सकते हो। तो बस मुझे इसीलिए व्लॉगिंग बहुत अच्छा लगा, कि मुझे ये लगा कि मैं मतलब कि जो भी कुछ भी करती हूँ तो मैं उसे वैसे शूट कर सकती हूँ। तो उस बेस पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैंने जो व्लॉगिंग की है, मोस्टली मैंने व्लॉगिंग ही की है। तो आप लोग वो सब जाके देख सकते हैं, पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा, और बुरा लगेगा तो भी ज़रूर से बताइएगा कि क्या कमी है, क्या ख़राबी है, क्या मुझे चेंज करना चाहिए। तो बस ये है। और बाकी हमारा जो व्लॉग रहता है वो बहुत ही मतलब कि रियल रहता है, और व्लॉगिंग बनाने में आपको किसी भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास नॉर्मल एक फ़ोन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपके पास आईफोन हो या बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा हो, आपके पास ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है आप उससे अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो। बेस मेन है आपका कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो, मेन वो है, लोग उसे पसंद करेंगे, ना कि आपके फ़ोन की क्वालिटी को। हाँ लोग अगर मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है कि लोग उस चीज़ों को देखते हैं, बट मोस्टली लोग जो हमारा कंटेंट होता है लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो आप जैसी भी क्वालिटी में दोगे ना तो लोग उसे पसंद करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा किसी अच्छे कैमरे की या बहुत ज़्यादा किसी अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है। तो बस सिंपल आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको माइक की ज़रूरत है। मैं भी माइक वाइक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, और मेरी वॉइस काफ़ी ठीक ठाक रहती है, जहाँ तक कि मुझे सुनने में मिला है कि मेरी वॉइस ठीक आती है वीडियो में। तो इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं एंड्रॉयड फ़ोन से अपने वीडियो शूट करती हूँ। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनको अभी इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी से हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम मतलब वो मज़ा नहीं आता है ना, जब तक आप खुद जिस चीज़ पर काम कर रहे हो वहाँ से आपको कुछ मिलता है और आप उस पर स्पेंड करते हो तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो बस जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं उनको किसी भी ऐसा कोई सामान या ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आप घर में व्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब घर के काम वगैरह दिखा रहे हो, तो उसके लिए एक आप ट्राइपॉड लेना चाहो तो ले सकते हो, वो थोड़ा सा काम में आपके आ सकता है, क्योंकि जैसे आप कुछ काम कर रहे हो आपको दिखाना है तो आप उसमें इजीली दिखा सकते हो। तो आप एक ट्राइपॉड ले सकते हो, और बस उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप एंड्रॉयड फ़ोन हो आपके पास ट्राइपॉड हो, इससे ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है व्लॉगिंग करने के लिए। बस आपका मेन है कंटेंट,
आप जो दिखा रहे हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो चीज़ देखने में अच्छा लगे। तो बस मैंने आपको कंटेंट, बाकी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बस जो भी अच्छा काम करेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह तो जो है, तो वो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं वो भी स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, वो भी एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे हर चीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर उतनी ज़्यादा उनकी मतलब डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर उस तरह से उनको अरेंज करना ही पड़ जाता। बाकी आप अगर किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हो तो फिर वो भी आप देख सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चीज़ है, आप क्या लोगों को मतलब आपकी क्या अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, वो तो आपको खुद अपना चूज़ करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आप जा रहे हो। मैं तो नॉर्मली व्लॉगिंग करती हूँ, अभी बस स्टार्ट किया है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बस यही है। बाकी आप सब भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब व्लॉगिंग भी की है और इस तरह से कुछ चैट्स भी की हैं, कुछ यूट्यूब के बारे में भी बातें की हैं आप लोगों से। तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग को क्या अच्छा लगता है मेरी तरफ से देखना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी में ज़्यादा अपनी वीडियोज़ बना सकूँ। तो बस आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को। तो बस अब तक के लिए मैं इस वीडियो के एंड करती हूँ, और बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।